Hello everybody, good evening, welcome to Testbook Super Coaching UGC Net channel. Good evening everybody, welcome to the session. Myself Dr. Hina Dabur, and once again welcome back to Testbook Super Coaching. Preeti, Jagni, Prerna, Shivnath, then we have Preeti Sharma, Kumte Mosali, Satya Prita. Good evening everybody. Kumte, tum to aise kar rahe ho jaise paper matlab kali dene jana hai. So पूरा दिन में हम एक बार मिलते, थोड़ा तो टाइम दो ताकि हम आपको एड्रेस तो कर सके एटलीस्ट. सो यस, आई नो कुमते टाइम इज वेरी लेस. एंड माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो आज का सेशन है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बिकॉज आपने अभी नोटिस करा है बहुत ही केयरफुली. तो जितने भी अभी तक हमने पेपर वन के या पेपर टू के काफी क्वेश्चन अटेम्प्ट करे हैं, जो कि डायरेक्टली रिलेटेड है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड एनईपी 2020 से. तो एनईपी 2020 और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन अलग अलग नहीं चलते, साथ साथ चलते हैं. यानी एनईपी 2020 के सारे ही गोल्स मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा ही अलाइन किए गए हैं. सो ऐसा मत सोचिए कि ये वाला सेशन जो है एनईपी 20 से रिलेट नहीं करेगा, इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू इट. फाइन, इसी के साथ भाई एक नोटिफिकेशन आता है, ये तो सुना था. किसने सुना था कि नोटिफिकेशन की बारिश हो सकती है? यस, It's raining because unlimited notifications are scrolling by our UGC chairman. तो आपने notice किया होगा, एक notification आया, दूसरा है. तो अब मैं आपको एक चीज explain कर दूं, COVID आने की वजह से आपके cycles जो है वो merge हो रहे थे. Okay, because of COVID आपके cycles तो merge हो रहे थे. अब आपके जो pending cycle है वो है December 2022 का. इस साइकिल को वो मर्ज नहीं कर रहे. सो दिस साइकिल इज नॉट बीइंग मर्ज्ड, ये मर्ज नहीं हो रही. और हो क्या रहा है, इस फरवरी में 2022 का दिसंबर का एग्जाम कंडक्ट हो रहा है. एंड उन्होंने साथ ही ये भी बता दिया है कि नेक्स्ट पेपर जून में होने वाला है, जो कि जून की साइकिल का होगा. सो फाइनली यू आर हैविंग टू साइकिल्स. तो अब आपको ये फैसला करना है कि आपने कौन सी साइकिल में अटेम्प्ट करना है. तो इनकेस अगर आप मास्टर्स के स्टूडेंट्स हैं और आपकी पेपर क्लैश कर रहा है, तो मैं आपसे सजेस्ट करूंगी कि आप जून का वेट कीजिए, आप जून की साइकिल में अपियर कीजिएगा. सो अमेजिंग थिंग इज कि दिसंबर से लेके आपके पास अब काफी टाइम, आपके पास दो साइकिल है. क्लियर? सो यू कैन ऑल्सो अटेम्प्ट इन फेब्रुवरी, यू कैन एज वेल अटेम्प्ट इन द मंथ ऑफ जून ऑल्सो. क्लियर? सो अब आपकी फाइनली दो साइकिल्स हो रही हैं, एंड इन कमिंग ईयर से अब आपका सब कुछ ओके हो जाएगा. यानी जैसे पहले नेट का एग्जाम साल में दो बार होता था, अब फिर से एग्जाम साल में दो बार होना स्टार्ट हो जाएगा. सो यस, आई एम देयर फॉर बोथ द साइकिल्स. एंड एक गुड न्यूज देना चाहती हूँ आप लोगों से, वो ये है कि आपका क्रैश कोर्स लॉन्च हो रहा है. आपका क्रैश कोर्स लॉन्च हो रहा है, यानी कि आपका रैपिड रिविजन कोर्स, जो कि आपका कह लीजिए क्रैश कोर्स लॉन्च हो रहा है. एंड स्टूडेंट्स प्लीज, नेक्स्ट वीक से ये क्रैश कोर्स होगा, और क्रैश कोर्स जो होगा वो लाइव, यानी लाइव क्लासेस लगेंगी. आपकी लाइव क्लासेस लगेंगी फॉर दिस, आप कह लीजिए इसको आप बूस्टर कोर्स कहना चाहते हैं, या रैपिड कोर्स कहना चाहते हैं, या क्रैश कोर्स कहना चाहते हैं, इट्स योर चॉइस. तो ये लाइव क्लासेस लगेंगी नेक्स्ट वीक से, हर रोज आपकी क्लास होगी. एवरी डे यू विल हैव अ क्लास, लाइव क्लास. और 30 डेज में मैं आपका कोर्स वाइंड अप कर दूंगी, 30 डेज में आपको. अब ये मत कहना हमने कहीं और ले लिया, कुछ और ले लिया. प्लीज आई एम टेलिंग यू, अब मैंने एडवांस में बता दिया है, प्लीज अब कहीं और अपने पैसे मत लगाना. ठीक है? तो प्लीज स्टूडेंट्स ये मत कहना मैम हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया. सो आई एम ऑलरेडी टेलिंग यू इन एडवांस दैट डोंट ब्लॉक योर मनी एनीवेयर. आई विल बी लॉन्चिंग दिस कोर्स इन द नेक्स्ट वीक, आपका नेक्स्ट वीक में कोर्स लॉन्च होने वाला है. ठीक है? सो होपफुली फ्रॉम मंडे, ट्यूजडे, वेंसडे से आपका कोर्स स्टार्ट हो जाएगा, क्रैश कोर्स, जो कि 30 डेज में मेरा टारगेट है टू वाइंड अप द कंप्लीट कोर्स. नहीं, ये ऐप पर होगा, ये जो क्रैश कोर्स होगा ना, ये आपका ऐप पर होगा. क्रैश कोर्स विल बी ऑन द ऐप, क्योंकि लाइव क्लास लगेगी, ऐप पर लगेगी. ठीक है? इसकी डिटेल्स आपके पास सारी मैं शेयर कर दूंगी, डोंट वरी. ठीक है? नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है पेपर में.
चलिए इसी के साथ हमारे साथ जुड़िए पेपर वन के लिए 10 बजे और पेपर टू के लिए 6 बजे। पेपर टू वन की आपकी दो फैकल्टीज ज्वाइन कर रही हैं और उन दोनों ही फैकल्टीज को आप बहुत प्यार भी करते हैं। सो वो दो फैकल्टीज आपकी आ रही हैं जनवरी में, तो हो जाइए और ज्यादा खुश क्योंकि अब आपका प्रॉपर थ्योरी क्लासेज होने वाला है पेपर नंबर वन के लिए। प्रॉपर एक एक टॉपिक कवर होगा, ठीक है। मेरे साथ आपका जो क्लास पेपर टू का है वो 6 बजे होता है। एंड प्लीज रन एंड गो एंड ज्वाइन एजुकेशन बाय डॉक्टर हिना टेलीग्राम। सब कुछ वहीं मिलता है, यहाँ कुछ नहीं मिलता। टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर लो, गलती से भी मिस मत कर देना, ठीक है। चलिए तो एंड ऑफ सीजन सेल चल रहा है, न्यू ईयर आ चुका है। हिना डी कूपन कोड लगाइए और मैक्सिमम डिस्काउंट्स ले जाइए। सो यूज द कूपन कोड हिना डी एंड गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट्स। नाउ आर यू रेडी फॉर द सेशन? साकेत, आई विल हेल्प यू फॉर दैट। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। वंडरफुल वंडरफुल। तो चलिए आज का जो सेशन है हम उसमें मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के इनिशिएटिव्स भी समझेंगे और उनके जो डिजिटल इनिशिएटिव्स खासतौर पे आए हैं उनको भी देखेंगे और उसको अलाइन करेंगे एनईपी 2020 पॉलिसी के साथ। क्लियर? चलिए तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है वो सेटअप हुआ था 1985 में। तो अगेन ये पेपर वन का क्वेश्चन है जो हायर एजुकेशन में भी पूछा जाता है। सो 1985 में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को सेटअप किया गया था थ्रू द 174th अमेंडमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्लियर? सो ये डेट इम्पोर्टेंट है टू रिमेम्बर। अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने जो एनईपी 2020 ने 5 चैलेंजेस दिए हैं, उन 5 चैलेंजेस को कंसिडर करते हुए अपने इनिशिएटिव्स लॉन्च किए हैं। सो प्लीज ये जो 5 चैलेंजेस हैं ये आपके एनईपी 2020 में एड्रेस किए गए हैं विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो प्लीज आई वॉन्ट एवरीबॉडी ऑफ यू टू नोट डाउन दीज 5 इंपॉर्टेंट चैलेंजेस विच आर गिवन बाई एनईपी 2020 एंड विच आर बींग एड्रेस्ड बाई हूम, विच आर बींग एड्रेस्ड बाई योर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो पहला है क्वालिटी। क्वालिटी मीन्स बेस्ट। मैंने आपको बताया ना क्वालिटी का मीनिंग क्या होता है। कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट डू वी मीन बाय क्वालिटी? बताइए सभी लोग क्वालिटी का मीनिंग क्या होता है। टेल मी व्हाट इज क्वालिटी, टेल मी एवरीबॉडी, जल्दी जल्दी। आई वांट द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ द क्वालिटी फ्रॉम एवरीवन ऑफ यू। वेरी गुड। क्वालिटी क्या होता है सलीमा? ये पूरी तरह सही आंसर नहीं है। वेरी गुड मिथुन। तो क्वालिटी होता है आपकी वो सर्विसेज विच आर एबल टू सैटिस्फाई योर कस्टमर। और आपका कस्टमर यहाँ कौन है? स्टूडेंट्स और उसके पेरेंट्स। सो क्वालिटी मीन्स अगर आपका चाहे प्राइमरी है, चाहे हायर है, चाहे सेकेंडरी है, यू आर एबल टू डिलीवर द बेस्ट। क्लियर? अफोर्डेबिलिटी यानी पुअर, ठीक है, गरीब लोग जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से हैं या फिर ट्राइबल रूरल, हर एक बच्चा आज की एजुकेशन को अफोर्ड कर पाए। एंड ऑल्सो द स्कूल शुड बी इन द नेबरहुड एरिया। क्लियर? नेक्स्ट इज इक्विटी। इक्विटी मीन्स बराबरी बाय अंडरस्टैंडिंग देयर नीड्स। तो नीड्स प्लस इक्वालिटी को कैटर करना होता है इक्विटी। यानी यहाँ पर हम इंक्लूसिव एजुकेशन की भी बात कर रहे हैं। जिस बच्चे में जो प्रॉब्लम है, जिसकी जो नीड्स है, उसको एड्रेस किया जाए। यानी एड्रेसिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस। आई मीन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसको नोट डाउन कर लो, इसको नोट डाउन कर लो। दिस इज जेन्युइनली वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज नोट इट डाउन। नेक्स्ट इज एक्सेस। एक्सेस का मतलब होता है जो मैंने अभी आपसे कहा, नेबरहुड स्कूल। अब अगर बच्चे को घर से 200 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा, नेचुरली 200 किलोमीटर छोड़िए, बच्चा 20 किलोमीटर नहीं जाएगा। सो व्हाट विल दे डिसाइड? दे विल डिसाइड टू लीव द स्टडीज। तो एक्सेस मतलब जैसे आपने देखा था कोठारी कमीशन ने कॉमन स्कूल सिस्टम दिया था। सो बेसिकली एक्सेस का मतलब है कि बच्चे के लिए अप्रोचेबल होना चाहिए, नियर बाय एरियाज में स्कूल होना चाहिए, बच्चे के लिए एक्सेस मतलब पहुंचना इजी होना चाहिए, कन्वीनियंट होना चाहिए, एक चैलेंज नहीं होना चाहिए स्कूल तक पहुंचना, ठीक है। एंड अकाउंटेबिलिटी यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी।
Now you decide whether you are making the state responsible or the nation responsible or the central government responsible. You have a district level पर दे रहे हो. So basically accountability means किसको आप responsibility दे रहे हो. Clear with the five challenges. ये exam में आएगा. तुम लोगों के पास एक asset है कि तुम्हारा सही होगा, बाकी जो क्लास नहीं अटेंड हो रहे कर रहे उनका गलत होगा. हमको क्या है ना, तो तुम अपने ऊपर फोकस करेंगे. हम जिसका गलत होगा वो उसकी प्रॉब्लम है, हम क्यों परेशान है ना. वाई शुड वी टेक द बर्डन ऑफ इट. क्लियर फाइन एवरीबॉडी. बढ़िया है, क्लियर हो गया सबको, कोई और डाउट तो नहीं है. चलिए आगे, शैल वी प्रोसीड टू वर्ड्स द नेक्स्ट. ओके ओके ओके. नाउ कमिंग करेंटली मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जिसको पहले MHRD के नाम से जाना जाता था, उनकी दो डिपार्टमेंट्स है. द पहला डिपार्टमेंट है जो कि स्कूल लिटरेसी एंड एजुकेशन से के लिए वर्क करता है, ठीक है. दूसरा डिपार्टमेंट वर्क्स फॉर दी हायर एजुकेशन. तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इज डिवाइडेड इनटू टू ब्रांचेस कह लीजिए. सो बेसिकली इनके टू ब्रांचेस कह लीजिए, टू डिपार्टमेंट्स है. फाइन. सो अगेन, वन इज फॉर द स्कूल एजुकेशन, वन इज फॉर दी हायर एजुकेशन, क्योंकि सेकेंडरी तक तो आपका स्कूल में ही कवर हो जाता है. क्लियर क्लियर टू एवरीवन. चलो अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या रहते हैं. सबसे पहले तो ऑब्जेक्टिव वही है जो पांच चैलेंजेस है. देखिए, एक्सेस आ गया, क्वालिटी आ गया. तो अगर आपने पांच चैलेंजेस याद रख लिए ना, तो आपको कभी भी MCQs में आंसर पिक करने में दिक्कत नहीं होगी. कम ऑन एवरीबॉडी, टेल मी द फाइव चैलेंजेस. एक्सेस, इक्विटी, यस बताओ, अफोर्डेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी एंड एंड क्वालिटी. क्लियर टू एवरीबॉडी, टेल मी द फाइव चैलेंजेस. एक्सेस, इक्विटी, क्वालिटी, अफोर्डेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी. ठीक है, क्लियर एवरीबॉडी, जल्दी बताओ. कम ऑन टेल मी. बहुत बढ़िया एवरीबॉडी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. चलिए तो आगे बढ़ते हैं. दूसरा, स्पेशल अटेंशन टू डिसएडवांटेज ग्रुप्स. बताओ ये किसमें आएगा, कौन से चैलेंज में आएगा. एवरीबॉडी टेल मी, दिस विल कम अंडर विच चैलेंज. तो आपके चैलेंजेस ही कन्वर्ट करके आपके ऑब्जेक्टिव्स बना दिए गए हैं. टेल मी विच इज दिस चैलेंज. टेल मी, यस दीप सुधा, कम ऑन टेल मी. सत्यव्रता, जल्दी बताओ. सो दिस इज व्हाट यू हैव कन्वर्टेड योर ऑब्जेक्टिव्स इनटू चैलेंजेस. तो अगर हम गरीबों तक, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन तक, माइनॉरिटीज तक, फीमेल्स तक एजुकेशन को पहुंचा रहे हैं, दैट मींस वी आर वर्किंग फॉर द इक्विटी. यानी हम इनकी नीड्स को भी कंसिडर करेंगे, तभी तो हमारे पास स्कूल्स में 25% जो सीट्स है वो EWS कोटा के लिए रिजर्व है. आई होप ये सबको मालूम होगा कि वीकर सेक्शंस के लिए आपकी 25% सीट्स रिजर्व है. ठीक है, चलिए. अब फाइनेंशियल हेल्प दे रहे हो आप, स्कॉलरशिप्स दे रहे हो आप, सब्सिडीज दे रहे हो, अगेन कौन से चैलेंज में आए, इक्विटी में. क्या किसी को कोई डाउट हो रहा है, अब लग रहा है ना इजी समझने में, सबको इजी लग रहा है, एंजॉय कर रहे हो, बढ़िया लग रहा है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया. चलो आगे आ जाओ. नेक्स्ट इज इनकरेजिंग इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन. बताओ ये कौन से चैलेंज के अंदर आए. एक था अफोर्डेबिलिटी, एक था इक्विटी. हाँ, पीछे वाले में फाइनेंशियल हेल्प विल आल्सो कम अंडर अफोर्डेबिलिटी. अफोर्ड करना, उनके लिए इजी कर दो चीजों को. ठीक है, तो अफोर्डेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, एक्सेस, इक्विटी एंड क्वालिटी. तो अगर आप इंटरनेशनल कोऑपरेशन की बात कर रहे हो, यानी आप अपनी क्वालिटी को क्या करना चाहते हो, पहले से ज्यादा इनहेंस करना चाहते हो, इम्प्रूव करना चाहते हो, तभी आप फॉरेन यूनिवर्सिटीज की भी हेल्प लेते हो और यूनेस्को की भी लेते हो, फॉरेन गवर्नमेंट की भी लेते हो. क्लियर. सो दैट मीन्स यस, वी वॉन्ट एक्चुअली इंटरनेशनल कोऑपरेशन, दैट मीन्स टू इनहेंस दी क्वालिटी. क्लियर, चले आगे. Now, coming to the major initiatives. अगर आपने कभी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की साइट भी ओपन करी होगी तो ये आपको मिलेगा. ये पेपर नंबर वन और पेपर नंबर टू के लिए, दोनों के लिए ही बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है. प्लीज इसको लाइटली मत लो, वरना आप बहुत बड़े लूजर निकलोगे जब एग्जाम कवर हो जाए. तो आई एम टेलिंग यू, आप अपना JRF या नेट मिस कर दोगे अगर आपने सेशन को मिस कर दिया. ये मैं आपको ओपन चैलेंज दे रही हूँ, ठीक है. सेशन मिस करने से अगर ना तुमने नेट JRF मिस किया तो मेरा नाम बदल दे.
आपको एक एक चीज अगर पेपर में ना मिले तो बताना। तो आप लोग अगर लाइटली जो बच्चे ले रहे हैं ना, तो प्लीज बी रेडी फॉर यू नो रिजल्ट जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर लोगे, बिकॉज वो बहुत ही गंदा रिजल्ट होगा। ठीक है चलो, तो यस एक भारत श्रेष्ठ भारत क्या है ये इनिशिएटिव, टेल मी क्या है आपका एक भारत श्रेष्ठ भारत। यस एक भारत श्रेष्ठ भारत वो है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। एक भारत श्रेष्ठ भारत बात करता है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। यूनिटी इन डाइवर्सिटी यानी म्यूचुअल ट्रस्ट, म्यूचुअल कॉपरेशन किसके बीच में, ये म्यूचुअल ट्रस्ट, ये म्यूचुअल कॉपरेशन किसके बीच में होगा, बिटवीन डिफरेंट पीपल फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स फ्रॉम डिफरेंट यूनियन टेरिटरीज, यानी टू इनहेंस द अंडरस्टैंडिंग, आपस में लोगों के बीच में अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप करने के लिए। सो देयर शुड बी अ पॉजिटिव अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द पीपल ऑफ ऑल कल्चर्स। क्लियर। अब आ जाइए नागरिक कर्तव्य पालन अभियान, आपको पता है ये क्या है। वेरी गुड वेरी गुड एवरीबॉडी, व्हाट इज नागरिक कर्तव्य पालन पालन अभियान क्या है बेटा, टेल मी व्हाट इज नागरिक कर्तव्य पालन अभियान क्या है ये। जहां पर हमारी कोशिश ये रहती है, जो ये पहल की गई है सरकार के द्वारा, जहां पे आप सिटीजन्स को इन्फॉर्म करते हो अबाउट देयर राइट्स, अबाउट देयर ड्यूटीज, अबाउट देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। सो संविधान दिवस यानी कॉन्स्टिट्यूशन डे की भी यहाँ पर बात करी गई है, वेयर वी एक्चुअली एक्सप्लेन। ठीक है, जहाँ 26 नवंबर को हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन डे संविधान दिवस मनाते हैं, जहाँ पे बेसिकली हम ये सबको समझाते हैं कि क्या तुम्हारी फंडामेंटल ड्यूटीज है और साथ ही क्या तुम्हारी फंडामेंटल राइट्स भी है एज अ सिटीजन। नेक्स्ट इज स्वच्छ भारत क्लेनलीनेस ड्राइव, क्लेनलीनेस फाइन, जहाँ पे आप क्लेनलीनेस की बात करते हो। एंड फिट इंडिया इज रिलेटेड टू द फिजिकल फिटनेस, जो कि आप मेंटल फिटनेस को भी कैटर करते हैं। तो फिजिकल अलोंग विद दैट मेंटल फिटनेस। क्लियर। सो अब चलते हैं कुछ ऐसे पॉइंट्स पे जहां पर अभी आप पास्ट एक वीक से जितने भी क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हो, पेपर वन के क्वेश्चन आपको यहां से मिल रहा है, आई एम राइट और रॉन्ग। तो आपने नोटिस किया होगा यहाँ पे आपको सारे ही क्वेश्चंस मिले हैं, आई एम राइट। बिहार स्लोगन कब आया है ना, इसका ये एक इनिशिएटिव, इट्स नॉट अ स्लोगन, इट्स एन इनिशिएटिव बिहार एनिमल। ठीक है चलिए, तो पहले बताइए मनोदर्पण क्या है। मनोदर्पण एक हेल्पलाइन है जहां पे बच्चों को साइकोलॉजिकल सपोर्ट मिलता है, यानी आपका मेंटल वेलबींग का ध्यान रखा जाता है। तो कोविड टाइम्स में या कभी भी आप ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एग्जामिनेशंस आल्सो, अगर आपको कभी भी लो फील होता है या डिप्रेस फील होता है, तो आप मनोदर्पण पे कॉल कर सकते हैं, दैट्स इट हेल्पलाइन, एक हेल्पलाइन नंबर है, वहां आपके पास काउंसलर है, आप उनसे बात कर सकते हो। दूसरा क्या है, सहयोग, इट्स अ गाइडेंस इन काउंसलिंग, जहाँ पे बच्चों को क्या दिया जाता है, गाइडेंस इन काउंसलिंग सेशन दिया जाता है, जो अगेन उनकी मेंटल वेलबींग के लिए, इट्स ऑल्सो फॉर द मेंटल वेलबींग ऑफ द स्टूडेंट्स। क्लियर। तीसरा आता है निष्ठा, निष्ठा का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। तो व्हाट इज द फुल फॉर्म, नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट, जहां पर आप टीचर्स को इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स दे रहे हो प्रिंसिपल्स को और उनकी नॉलेज को अपग्रेड कर रहे हो। क्लियर टू एवरीबॉडी, यहां तक किसी को कोई भी क्वेश्चन क्वेरी है, एनी क्वेश्चन क्वेरी टिल फॉर सो फार। Yes, जो होती इस ऐप में क्लासेस भी होती है और नेक्स्ट वीक से उसमें क्रैश कोर्स भी होगा। तो स्टूडेंट सेशन को साथ साथ में लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। एंड मैं एक बार फिर से आप लोगों को बता रही हूँ, ध्यान से सुन लो, नेक्स्ट वीक में आपका क्रैश कोर्स लॉन्च हो रहा है, योर क्रैश कोर्स इज गेटिंग लॉन्च, यानी
30 days में हम आपका कोर्स कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो ये जो क्रैश कोर्स है प्लीज आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा, डू नॉट मिस दिस क्रैश कोर्स, कहीं और इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा, क्रैश कोर्स के लिए वेट कीजिए और हमें जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। नेक्स्ट इज दीक्षा। व्हाट इज दीक्षा? डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, DIKSH, ठीक है। दैट मीन्स दीक्षा में क्या होता है बेसिकली, आप क्या करोगे, आप व्हाट इज दीक्षा, बहुत सारे बच्चों को पता है, ठीक है, जिनको नहीं पता बताओ बताओ, एवरीबॉडी सबको पता है। यस एंजल, मैं साथ साथ बता रही हूँ, ठीक है, क्लियर एंजल? यस, वो तीनों आपकी दो, पहली दो आपकी मेंटल वेलबींग के लिए थे, ठीक है। तो दीक्षा, सॉरी, दीक्षा क्या है, व्हाट इज दीक्षा? दीक्षा इज बेसिकली जहां पर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। सो बेसिकली इट्स एन इनिशिएटिव ऑफ एनसीईआरटी, एनसीईआरटी का इनिशिएटिव है जहां पे आपको पूरा कंटेंट डिजिटल मोड में अवेलेबल है। सो प्लीज ये भी लिख लीजिए, इट्स अ इनिशिएटिव ऑफ एनसीईआरटी। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर स्कूल एजुकेशन में एनसीईआरटी आता है और एनसीईआरटी के अंदर ही आता है, ठीक है। तो दीक्षा एक ऐप भी है जिसको आप डाउनलोड कर सकते हो, और आपके पास सारा जो कंटेंट है क्यूआर कोड एक्सेस करने के बाद सारा कंटेंट आपके पास ऑनलाइन मोड में अवेलेबल हो जाएगा, क्लियर। सो दीक्षा इज अ वर्ल्ड ऑफ ओपन डिजिटल कंटेंट। तो यहाँ पे आपको मिलता क्या है, ओपन डिजिटल कंटेंट। फाइन एवरीबॉडी, तो दीक्षा पे आप काफी सारे कोर्सेज एक्सप्लोर कर सकते हो, एनसीईआरटी के, सीबीएसई के कंटेंट को एक्सप्लोर कर सकते हो, एनआईएस की कर सकते हो, क्लियर, बढ़िया। आज चलिए पेपर वन और पेपर टू दोनों में आता है, पेपर वन और पेपर टू में दोनों में आता है। कात्यायनी बेटा, आई एम सो सॉरी बेटा, मैं क्या करूं, मैंने काफी टाइम पहले वहां इंडिकेट तो किया था कात्यायनी, बट कात्यायनी अब आप मेरे साथ यहाँ जुड़ जाओ, हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, कात्यायनी एजुकेशन बाय डॉक्टर हिना। सुबह दर्शनी, आप पे पूछ रहे हो कितना फीस है, मैं आपको सब कुछ यहाँ बताऊंगी, इस टेलीग्राम पे आपको सब कुछ बताया जाएगा, और जो फीस होगा ना वो सबसे कम होगा, ये मेरा प्रॉमिस है, सबसे कम फीस यही लगेगा, और लाइव क्लासेस मिलेंगी, लाइव क्लासेस, लाइव रोज क्लास लगेगी, ठीक है। चलो विद्या लक्ष्मी, नेक्स्ट इज विद्या लक्ष्मी। सो करते आएंगी, वी विल बी स्टार्टिंग क्रैश कोर्स, हम अगले वीक से क्रैश कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हर रोज आपको लाइव क्लास मिलेगी और 30 डेज का ये कोर्स रहने वाला है। सो एवरीबॉडी डू ज्वाइन इट। अब विद्या लक्ष्मी क्या है, व्हाट इज विद्या लक्ष्मी, एनी आइडिया? विद्या को समझ आ रहा है पढ़ाई, लक्ष्मी समझ आ रहा है पैसा, यानी एजुकेशनल लोन्स दिए जाएंगे। सो बेसिकली बच्चे की क्रिएटिविटी ना रुके, बच्चा आगे बढ़ने से ना रुक पाए, इसलिए विद्या लक्ष्मी क्या है, विद्या लक्ष्मी इज द लोन गिवन बाय दी गवर्नमेंट। सो विद्या लक्ष्मी क्या है, इट्स बेसिकली अ पोर्टल जहां पे वो बच्चे जा सकते हैं जो एजुकेशन के लिए लोन पाना चाहते हैं, क्लियर। सो विद्या लक्ष्मी का अगर आप लिंक भी चाहते हैं, सो बेसिकली ये क्या है, हर बच्चा अपना सपना स्वीकार करे। सो बेसिकली ये एजुकेशन लोन चाहने के लिए पोर्टल बनाया गया है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा। सो इट्स अ जॉइंट एफर्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, क्लियर। नेक्स्ट इज फॉस। फॉस इज फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। क्या है फॉस, एनी आइडिया, एनीबॉडी एनी आइडिया व्हाट इज फॉस? बहुत बढ़िया, अब सब लोग सही आंसर दे रहे हो, वेरी गुड वेरी गुड। जाया फाउंडेशन कोर्स भी स्टार्ट हो गया, नेक्स्ट वीक से क्रैश कोर्स भी स्टार्ट हो जाएगा, अमेजिंग। तो अभी मैंने आपको बताया फॉस क्या है, इट्स एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ये क्या होता है, जहां पर आप बिना लाइसेंस के मटेरियल को यूज कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, क्लियर। तो आप बिना किसी भी रिस्ट्रिक्शन के, बिना किसी भी लाइसेंस के मटेरियल को एक्सेस कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं और स्टडी कर सकते हैं, क्लियर। सो फॉस इज अ फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर,
ठीक है, जहां पे आपको फ्री सॉफ्टवेयर भी और ओपन सॉफ्टवेयर भी, फ्री भी है और ओपन भी, ओपन मीन्स यू कैन यूज इट, ठीक है। तो यहाँ पे मॉनेटरी कॉस्ट कुछ भी नहीं रहने वाला, सो देयर विल बी नो मॉनेटरी कॉस्ट, क्लियर। तो यहाँ पे आप अपनी क्वेरीज भी पूछ सकते हैं, दे विल बी आंसर्ड बाय द स्पोकन ट्यूटोरियल ऑनलाइन फोरम्स, सो इट्स बेसिकली फ्री ऑल्सो एंड ओपन ऑल्सो, ठीक है, जहां पे आपको लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। डू यू वॉन्ट मी टू शेयर द पीडीएफ, क्या आप लोग चाहते हो मैं पीडीएफ शेयर करूं? डू यू वॉन्ट मी टू शेयर द पीडीएफ? वंडरफुल वंडरफुल एवरीबॉडी, वंडरफुल। चलिए नेक्स्ट पे आ जाइए, डेफिनेटली। अच्छा अलका, ओके 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 ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट इज विद्वान। आज हमने, कल येस्टरडे, कल हमने सुबह जो 10 AM का क्लास हुआ था उसमें भी हमने विद्वान को एक्सप्लेन किया था, उस पर क्वेश्चन भी था, एम आई राइट अलका? अलका को याद होगा, अलका विद्वान के बारे में हमने उसमें पढ़ा था ना बेटा। सो व्हाट इज विद्वान, विद्वान क्या है? विद्वान इन्फ्लिबेट, ये क्वेश्चन था ना उसमें कि विद्वान क्या है। विद्वान जो है एक्सपर्ट डेटाबेस एंड नेशनल रिसर्चर नेटवर्क है, सो इट्स एन एक्सपर्ट डेटाबेस, क्लियर। तो आपको याद होगा कि विद्वान जो है इट्स एन इनिशिएटिव, इट्स अ पार्ट ऑफ इन्फ्लिबेट, पढ़ा था ना ये कहीं कि ये किसने मेंटेन किया हुआ है, इट इज द डेटाबेस जो है वो इन्फ्लिबेट ने मेंटेन किया हुआ है, सो द डेटा इज मेंटेन बाय इन्फ्लिबेट, किसने मेंटेन किया, इट इज मेंटेन्ड बाय इन्फ्लिबेट, क्लियर। तो बच्चे क्या होते हैं, अलग अलग टर्म्स अलग अलग जगह पे यूज करती जाती है ना, इसलिए कंफ्यूज हो जाते हैं। और ये किसका पार्ट है, नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू ICT का पार्ट है, क्लियर। सो विद्वान क्या है, यहाँ पे एक्सपर्ट और साइंटिस्ट और रिसर्चर्स का पूरा डेटाबेस आपके लिए अवेलेबल है, जो कि मेंटेन किया गया है इन्फ्लिबेट नेट के द्वारा, और उसका फुल फॉर्म क्या है वो भी लिख लो, इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क सेंटर। तो इन्फ्लिबेट का फुल फॉर्म लिख लो, इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क सेंटर। फाइन एवरीबॉडी, इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क सेंटर, INF मीन्स इंफॉर्मेशन, LIB मीन्स लाइब्रेरी एंड NET मीन्स नेटवर्क, क्लियर। सबने लिख लिया, इतना लिख लिया ना, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा, क्लियर, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा, अगर आपने चीजें नोट कर ली तो। यस एंजल, इट्स अ स्कॉलर्स डेटाबेस, रिसर्च स्कॉलर्स डेटाबेस। सुपर्णा यू आर फाइनली हियर, सुपर्णा एक्चुअली आई वॉज एक्चुअली सर्चिंग योर नेम टूडे। सुपर्णा तुम ना मुझे टेलीग्राम पे मैसेज करना, सुपर्णा मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। सुपर्णा सरकार डू मैसेज, ड्रॉप मी अ मैसेज ऑन टेलीग्राम, आई रियली वॉन्ट टू टॉक टू यू समथिंग अर्जेंट, तो मुझे जरूर मैसेज करना सुपर्णा, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ, ईशोत सिंधु। वॉट इज ईशोत सिंधु, एवरीबॉडी टेल मी, ईशोत सिंधु क्या है? हायर एजुकेशन इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज होते हैं आपके पास इन ई शोध सिंधु, ठीक है। वही ई शोध गंगोत्री क्या है बेटा, ई शोध शुद्धि क्या है, ई शोध शुद्धि क्या है, एवरीबॉडी टेल मी। अगर आपके पास ये सिंधु था, अगर यहाँ पे शुद्धि हो जाएगा तो वो क्या होगा, विच इज रिलेटेड टू प्लगियरिज्म सॉफ्टवेयर, ठीक है। और विच इज द थर्ड वन, किसी को आइडिया, विच इज द थर्ड वन? वेरी गुड। और जो लास्ट आपका बचा है दैट इज ई शोध गंगा, जहां पर आपके पास, अगर यहाँ गंगा हो जाएगा तो वहां पे क्या होगा, आपके पास थीसिस होंगी, सो इट इज द थीसिस। ई शोध सिंधु पे क्या होता है, इट्स बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज, जो जर्नल्स वगैरह हो गए। ई शोध गंगा क्या है, जहाँ पे आपके पास थीसिस रहेगा। और ई शोध शुद्धि क्या है, जहाँ पे आपके पास प्लगियरिज्म डिटेक्शन सॉफ्टवेयर रहेगा, क्लियर। किसी को कोई डाउट तो नहीं है, ई शोध शुद्धि फॉर द प्लगियरिज्म एंड देन वी हैव, यस
ओके सुपर्णा, ओके मुझे बात करनी है, मैं बात करूंगी. सो ईशोध सिंधु क्या है, जहां पे आपके पास इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज है. ईशोध गंगा क्या है, जहां पे आपके पास थीसिस है. और ईशोध शुद्धि क्या है, जहां पे आपके पास प्लेगरिज्म डिटेक्शन सॉफ्टवेयर है. मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगी ताकि जिसको नहीं पता वो कर लेगा. क्लियर क्लियर बेटा अक्षिता, आई होप अब क्लियर हो गया होगा. अब आ जाओ वर्चुअल लैब्स पे. कोविड के टाइम्स में क्या हुआ, आप ऑफिस तो नहीं जा सकते, तो वर्चुअल लैब्स का काम हुआ. सो बेसिकली बच्चों को लैब्स नहीं जाना पड़ता, अब वो ऑनलाइन ही वर्चुअल लैब्स का एक्सपोजर ले सकते हैं, जो कि आपका सिमुलेशन का पार्ट है. यानी कि आपको आर्टिफिशियल सेटिंग्स में रियल लाइफ एक्सपोजर मिलता है, रियल लाइफ एक्सपोजर इन आर्टिफिशियल सेटिंग्स. क्लियर. नेक्स्ट इज ई पाठशाला. ई पाठशाला सबको पता है, एनसीईआरटी की जितनी भी बुक्स है आपके पास ऑनलाइन अवेलेबल है इन द ई मोड. ठीक है. नेक्स्ट इज ई ज्ञान कोश. ई ज्ञान कोश क्या है, नेशनल डिजिटल रिपोजिटरी, जो कि इंडियन एम्बिट के अंदर आती है. सो ये पेपर नंबर 2 में भी क्वेश्चन आ चुका है. सो इट्स अंडर इंडियन एम्बिट, ई ज्ञान कोश, नेशनल डिजिटल रिपोजिटरी. क्लियर क्लियर टू एवरीबॉडी. अभी बहुत कुछ आगे अलग भी आने वाला. सीआईटी क्या है, टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन को यूज करना सिखाता है. सो बेसिकली क्या है सीआईईटी, ये पार्ट है आपका आईसीटी इन एजुकेशन का. क्लियर. ई यंत्र क्या है, जितने भी प्रॉब्लम्स हैं इन रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, डिफेंस, डिजास्टर, उनको सॉल्व करने की कोशिश करता है थ्रू टेक्नोलॉजी, ई यंत्र. फाइन बढ़िया. कोई डाउट यहां तक नहीं. आज ये सारे हायर एजुकेशन में भी आ सकते हैं बॉयज. और शोध गंगा क्या है, रिजर्वॉयर ऑफ इंडियन थीसिस. सार्थक वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स द इम्प्लीमेंटेशन प्लान ऑफ एमईपी 2020. तो सार्थक क्या है, इम्प्लीमेंटेशन प्लान ऑफ एमईपी 2020. क्लियर. चलिए अब आ जाइए कि अब तक क्या हुआ है, द जर्नी सो फार एंड अहेड. वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब यहां से आएगा, क्वेश्चन अब यहां से आएगा. पुराना सब आ चुका है, अब नया यहां से आएगा. बढ़िया. चलो तो अब हम और देखते हैं आगे. पहला है नेशनल मिशन फॉर मेंटरिंग. दिस इज वन ऑफ द जर्नी का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, नेशनल मिशन ऑन मेंटरिंग. क्लियर. ये क्या है, नेशनल मिशन ऑन मेंटरिंग, व्हाट इज इट? यस, मेंटरिंग प्रोग्राम्स टू सपोर्ट टीचर्स एंड टीचर एजुकेटर. तो ये जो मेंटरिंग प्रोग्राम्स हैं खास तौर पे टीचर्स और टीचर एजुकेटर्स के लिए, ये शॉर्ट टर्म भी है और लॉन्ग टर्म भी है. सो दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट इनिशिएटिव जो कि एनसीटी के अंडर आता है. सो इट विल बी टेकन केयर बाय होम, एनसीटी. क्यों? क्योंकि ये किसके लिए है, टीचर एजुकेटर्स के लिए. और टीचर एजुकेटर्स किसके अंडर आते हैं, ऑब्वियसली टीचर एजुकेटर्स की जो ब्रांच है वो एनसीटी के अंडर आती है. तो अगेन ये एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ सकता है. क्लियर. सो नेशनल मिशन ऑफ मेंटरिंग, ये सबको मालूम है कि ये मेंटरिंग प्रोग्राम्स देंगे किसके लिए, टीचर एजुकेटर्स के लिए. ये शॉर्ट टर्म भी हो सकता है और ये लॉन्ग टर्म भी हो सकता है. और ये किसके अंडर आता है, इट कम्स अंडर द एम्बिट ऑफ एनसीटीई. क्लियर. इसी के साथ आपके पास आ रहा है 4 ईयर्स इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम. तो अगेन ये जो 4 ईयर्स इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम है अकॉर्डिंग टू द 21st सेंचुरी स्किल्स के ऊपर बेस्ड है. सो दिस इज अगेन अ मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स, जहां पर आपका जो फोकस है वो 21st सेंचुरी स्किल्स पे रहेगा, वो भी एनसीटी के अंदर. नेक्स्ट इज नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स, एनपीएसटी. सो व्हाट इज एनपीएसटी, इट इज द पब्लिक स्टेटमेंट ऑफ व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स टीचर क्वालिटी. तो बेसिकली टीचर की क्वालिटी बताया गया है, टीचर की प्रोफेशनल क्वालिटी. फाइन.
and ethics. Clear? So what is NPST? It is what a teacher is expected to do and what should be the, you know, skills of the teacher. Jo teacher ke paas honi chahiye to become a successful one. Again, ye kiske dwara set kiye jayenge? NCT ke dwara. Clear? Next is setting standards in school education. Batao, school education hai to kiske andar aayega? Batao. अगर स्कूल एजुकेशन है तो किसके अंडर आएगा? सो स्कूल क्वालिटी एंड असेसमेंट अश्योरेंस क्या है ये? स्कूल क्वालिटी असेसमेंट एंड इंश्योरेंस इट इज बाय सीबीएसई. सीबीएसई करेगा इसको टेक केयर. जहां पे सीबीएसई ने पूरा मैनुअल भी लॉन्च कर दिया, इट्स अवेलेबल ऑनलाइन, इट्स अ प्रॉपर मैनुअल अवेलेबल है जिसमें रमेश पोखरियाल जी थे, जिसमें संजय श्यामराव जी हैं, देन यू हैव वेरियस अदर पीपल जो सीबीएसई के अंडर आता है. सो बेसिकली आप स्कूल में क्वालिटी कैसे मेंटेन करेंगे, स्कूल में क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज नहीं होने देना, कमिटमेंट टूवर्ड्स क्वालिटी, ये सब कौन बताएगा? इट इज डन थ्रू सीबीएसई. तो काफी कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट है, जब भी फुर्सत मिले इसको जरूर पढ़िएगा बाय सीबीएसई. ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज विद्यांजलि पोर्टल जो है उसको दोबारा से रिवाइज किया जाएगा. बताइए विद्यांजलि क्या है? अभी मैंने आपको बताया है. वॉट इज विद्यांजलि? कम ऑन टेल मी. अभी तो मैंने बताया है. Very good. Yes, Sudhir, ये paper 1 और paper 2 का joint session है. Good evening, Sudhir, ये paper 1 और paper 2 का joint session है. Come on, everybody, tell me what is Vidyanjali. देखो विद्या का मतलब क्या होता है? ज्ञान. और अंजलि का मतलब क्या होता है? अंजलि का meaning क्या होता है? Offer with both hands. ठीक है, यानी दोनों हाथों से किसी को ज्ञान बांटना. दैट मीन्स कम्युनिटी, स्कूल पार्टनरशिप. ठीक है, या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप भी कह सकते हो. ठीक है, जिससे कि हम पूरे एजुकेशन सिस्टम को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करेंगे. सो ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की पहल है जहां पर इट्स अ स्कूल वॉलंटियर प्रोग्राम. इट्स अ स्कूल वॉलंटियर प्रोग्राम जहां पर पहल की जा रही है बाय यंग पीपल, बाय रिटायर्ड टीचर्स, रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो आगे बढ़कर आए और स्कूल्स के साथ कनेक्ट करें और उनको इम्प्रूव करें. क्लियर? सो इट्स अ स्कूल वॉलंटियर प्रोग्राम. इट इज अ स्कूल वॉलंटियर प्रोग्राम. क्लियर? ये टर्म नोट कर लेना क्योंकि ये टर्म एग्जाम में एज इट इज पूछी जा सकती है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. इसी के अलावा टॉकिंग बुक्स है फॉर द इंक्लूसिव एजुकेशन. टॉकिंग बुक्स किन के काम आती है? जो बच्चे विजुअली इम्पेयर्ड होते हैं. याद रखना है ये चीज, कहीं हियरिंग में मत लिख देना. क्लियर? सो टॉकिंग बुक्स उन बच्चों के काम आती है जो विजुअली इम्पेयर्ड होते हैं. क्लियर टू एवरीबॉडी? प्लीज इसको उल्टा मत कर देना. अब आ जाओ NPS, Navodaya Vidyalaya. तो जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए भी यहाँ पर एडमिशन की गाइडलाइंस चेंज हुई है. सो देयर इज अ चेंज इन द गाइडलाइंस फॉर द नवोदय विद्यालय. नवोदय विद्यालय की जो गाइडलाइंस है उनको चेंज किया गया है. ठीक है, चलिए इसी के साथ केवीएस में भी एडमिशन के प्रोविजंस को चेंज किया गया है. और आपने तो नोटिस भी किया है, इस बार केवीएस की वैकेंसी निकली है 4 साल बाद. सो आफ्टर 4 इयर्स इस बार केवीएस में वैकेंसी निकली है. क्यों? क्योंकि वहां पर ये चेंजेस होने जा रहे हैं. दैट इज व्हाई यू हैड द वैकेंसी फॉर केवीएस कमिंग अप आफ्टर 4 इयर्स. क्लियर? Clear to everybody? Very good, Subramanyu. MNC is offering free education to poor students is Vidyanjali. I know you are talking about whom, Subramanyu, but yes, not that is not the one where you actually go and enroll yourself. आप विद्यांजलि के पोर्टल पे जाके अपने आप को इनरोल करते हैं. That will come under that. जहां पे आपको गाइडलाइंस मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा दी गई है. ठीक है, तो आप जो कहना चाह रहे हैं वो यहाँ नहीं आने वाले. नेक्स्ट इज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम्स. आपने देखा है
स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज भी चालू हो चुके हैं। आपने देखा होगा हैकाथॉन्स चालू हो रखे हैं, अगर आपने मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की साइट को विजिट किया होगा, जहाँ पे हम लोग, और आपने अगर देखा मनीष सिसोदिया जी ने दिल्ली में तो ये कहा है कि बच्चे अपने बिजनेस आइडियाज लेके आए, तो बिजनेस आइडियाज बच्चे लेकर आएंगे तो उनको वो सिलेक्ट कर रहे हैं, गुड आइडियाज को सिलेक्ट किया जा रहा है। क्लियर क्लियर टू एवरीबॉडी? करेक्ट होते ही सब एग्जाम एक साथ होंगे, सब कुछ एक साथ होगा। और एनसीईआरटी को कहा गया है कि आप प्रोविजंस को और सिंप्लीफाई कीजिए 11 एरियाज में। सो एनसीईआरटी को काफी ज्यादा काम दिया गया है कि स्कूल एजुकेशन में ऐसे 11 एरियाज हैं जिनके ऊपर उनको काम करना और उसको इजी बनाना है। वही एनआईओएस जो कि ओपन स्कूलिंग की बात करता है, अब उनके भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास आएंगे फॉर न्यू 11 एरियाज। एंड अगेन सीबीएसई को भी प्रोसीजर सिंप्लीफाई करने को कहा गया है 23 एरियाज। इसके अलावा एंड्रागोगी पे अब फोकस किया जाएगा, सो द फोकस विल बी ऑन द एडल्ट एजुकेशन नाउ। क्लियर? एंड मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच, वो तो कल भी आपने पढ़ा है, मैंने कल की क्लास में भी आपको बताया है, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच पे फोकस किया जाएगा। वोकेशनल सब्जेक्ट्स, बिकॉज अब सिक्स क्लास ऑनवर्ड आपको इंटर्नशिप ऑफर किया जाएगा, सो इंटर्नशिप विल नाउ बी अवेलेबल फॉर द स्टूडेंट्स, दे हैव टू एनरोल देमसेल्व्स इन द इंटर्नशिप फ्रॉम क्लास सिक्स ऑनवर्ड्स। क्लियर? नेशनल डिजिटल एजुकेशन आर्किटेक्चर, ये क्या है? इट्स एन इम्पोर्टेंट पॉइंट, बताओ क्या है ये? वॉट इज एनडीआर? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के, दिस इज अ पार्ट, दिस इज एन इनिशिएटिव, लेकिन ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के स्कूल एजुकेशन के अंडर आता है। अब गलती क्या होती है, बच्चे एग्जाम में, अभी मैंने आपको बताया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के दो डिपार्टमेंट है, एक स्कूल एजुकेशन एक हायर एजुकेशन। बच्चे ब्लंडर क्या करते हैं, इसको हायर एजुकेशन में मार्क कर देते हैं, जबकि ये एक पहल है स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का। क्लियर? तो ये क्या है बेसिकली, व्हाट इज इट? यहाँ पे ये फोकस किया जा रहा है कि एनईपी 2020 की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग हम अपने इकोसिस्टम में चेंजेस लाएं और उसको पहले से ज्यादा इनोवेटिव बनाएं। सो आप मानेंगे नहीं, यहाँ पे 600 मिलियन से भी ज्यादा बुक्स अवेलेबल है, क्यूआर कोड्स अवेलेबल है, लर्निंग सेशंस अवेलेबल है, यानी आपका जो पूरा डिजिटल रिपोर्ट कार्ड्स है, लाइव क्लासेस है, डाउट क्लियरिंग सेशंस है, कंटेंट जो है वो एनर्जी टेक्स्ट बुक्स के तहत है, यानी आपको हर चीज मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ ऑनलाइन मोड। दीक्षा को ये मैनेज करते हैं पोर्टल को, विकास विद्या समीक्षा केंद्र ये मैनेज करते हैं, ठीक है। देन जो एनडीआर के प्रोजेक्ट्स है उसमें दीक्षा ऐप है, देन इट इज विद्या समीक्षा केंद्र, ये भी किसके अंडर आता है, दिस इज ऑल्सो अंडर योर एनडीएआर। ये इनके मेजर प्रोजेक्ट चल रहे हैं इस समय। सो बुक्स हो गई, जो आपकी ई बुक्स हो गई, विद्यादान, क्विज़ेस, पीरियोडिक असेसमेंट्स, ये सब किसका पार्ट है? ये सब अब एनडीआर का पार्ट है। क्लियर? इसका जो मेन ऑफिस है वो गया न्यू दिल्ली के अंदर है। फाइन, सो एनडीआर इज हाउ टू प्रोवाइड यू आर रेवोल्यूशनाइज इकोसिस्टम, जहां पर हम इनोवेशन को यूज कर रहे हैं इन द स्कूल एजुकेशन। क्लियर? चलिए, एंड वन ऑनलाइन टीचर प्यूपल रजिस्ट्रेशन मैनेजमेंट सिस्टम, ये भी एक नई पहल है इसकी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की और एनईपी 2020 की। क्रिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग स्किल्स के साथ साथ एनालिटिकल थिंकिंग स्किल्स भी यहाँ पर एड ऑन होगा। क्लियर? और होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, जिसमें मैंने कल आपको पंच कोशास बताए थे और पंच चड़ी बताया था, फाइव कोशास दिए थे आपको और पंच चड़ी दिया था। क्लियर? तो ये दोनों आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट है। पार्क क्या होता है, व्हाट इज पार्क? क्या है पार्क बताओ? वेरी गुड, सो इट्स बेसिकली where you are going to assess the performance of the students. Getting my point? PARC kya hai? PARC is an education portal. Ye ek website hai
जहां पर आप डिजिटली असेसमेंट करेंगे किसका, अपने स्टूडेंट्स का। क्लियर टू एवरीबॉडी, क्या है ये, क्लियर हो गया सबको? सो इट्स परफॉर्मेंस असेसमेंट, फुल फॉर्म लिख लो जिसको नहीं पता, जिसको नहीं मालूम प्लीज लिख लो, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। क्लियर? सो बेसिकली इक्विटी एंड एक्सीलेंस लाने के लिए इन द असेसमेंट पैटर्न लाया गया है आपका पार्क, ठीक है, पार्क नहीं है, पार्क है। परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, जो कि अनाउंस किए थे नरेंद्र मोदी जी ने 11 सितंबर 2020 को, जहां पे उन्होंने कॉन्फ्रेंस करी थी स्कूल एजुकेशन इन 21st सेंचुरी। तो ये एक परफॉर्मेंस सेटिंग बॉडी है जो ये बताएगी कि बच्चों को किस तरह से परफॉर्म करना चाहिए और किस क्या असेसमेंट प्रोसीजर रहने वाले हैं, बिकॉज हाईली टेक्नोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन पेपर होने वाले हैं, जहां पे बच्चे की टेक्नोलॉजिकल स्किल्स, एनालिटिकल स्किल्स, क्रिएटिव थिंकिंग स्किल्स का कुछ एम्फोसाइज होगा। क्लियर? चलिए, एंड व्हाट इज सफल, सफल इज स्ट्रक्चर असेसमेंट फॉर एनालाइजिंग लर्निंग। ये दोनों ही जो चीजें हैं ये असेसमेंट से रिलेटेड है, बोथ ऑफ देम आर रिलेटेड विद असेसमेंट। सो व्हाट इज सफल, सफल क्या है, ये सफल क्या है, सफल है स्ट्रक्चर्ड असेसमेंट फॉर एनालाइजिंग लर्निंग। सो बेसिकली एनईबी 2020 ने अपना जो असेसमेंट सिस्टम बनाया था, वहां पे आपकी जो थॉट प्रोसेस है, जो इंक्वायरी ओरिएंटेड स्किल्स है, एनालिसिस स्किल्स है, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स है, उनको किस तरह से असेस किया जाएगा। क्लियर? क्लियर टू एवरीबॉडी? इट्स अ कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 3, कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट। ये क्या है, इट इज अ कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट, खास तौर पे थर्ड बच्चे, जो बच्चे क्लास 3 में है, जो बच्चे क्लास 5th में है, उनके लिए बहुत ज्यादा वर्क करेगा। सो क्लास 3, क्लास 5th एंड क्लास 8, सो दिस इज फॉर क्लास 3, क्लास 5th एंड क्लास 8। तो जो सफल है ना, वो क्लास 3, क्लास 5th और क्लास 8 के बच्चों के लिए असेसमेंट प्रोसीजर्स। देन कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट रिफॉर्म्स, जो कि सफल में बताए गए हैं, ठीक है। ऑनलाइन कोर्सेज ऑन नॉलेज ऑफ इंडिया, तो शिल्पा आप पूछ रहे हो ना, तो शिल्पा ये आपके लिए नॉलेज ऑफ इंडिया एक कोर्स लॉन्च कर दिया गया है बाय एनईपी 2020, एंड यस वेरी सून, जो आपने कहा है कि नेट के उसके अंदर है, उसका सिलेबस भी अपडेट हो जाएगा। तो आज जब मैंने सर्च किया तो यस नाउ यू विल बी हैविंग मोर कोर्सेज ऑन नॉलेज ऑफ इंडिया। एक क्वेश्चन भी था ना कि एनईपी 2020 ने एंशियंट और मॉडर्न इंडिया दोनों को चूज किया है, दोनों की स्टडी को इंक्लूड करा है एनईपी 2020 ने, और एनआईओएस का सारा कंटेंट आपको दीक्षा ऐप पे भी मिल जाएगा, तो ऐप को डाउनलोड कर लो। ई कंटेंट अब से 32 इंडियन लैंग्वेजेस में होगा, और स्वयं प्रभा में 34 डीटीएच चैनल्स का ग्रुप है। सो इट्स अ ग्रुप ऑफ हाउ मेनी चैनल्स, स्वयं इज अ ग्रुप ऑफ हाउ मेनी चैनल्स, बताइए, स्वयं इज अ ग्रुप ऑफ हाउ मेनी चैनल्स। वेरी गुड एवरीबॉडी, 34 चैनल्स। सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द सेशन, एंड प्लीज स्टूडेंट्स, 34 चैनल्स है यहाँ पे, ठीक है। आई एम वंस अगेन गिविंग यू अ रिमाइंडर, क्रैश कोर्स लॉन्च होने वाला है आपका नेक्स्ट वीक में, नेक्स्ट वीक से, जहां पर मैं आपको देने वाली हूँ लाइव क्लासेस, आपकी लाइव क्लास होगी क्रैश कोर्स में, ठीक है, 30 डेज का। इसके अलावा आपका पेड कोर्स लॉन्च हो चुका है, पेड कोर्स में यूनिट नंबर 1 कवर हो चुका है, ठीक है। पेड कोर्स में इनरोल करने के लिए हिना डी कूपन कोड यूज कर लीजिए, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट्स भी मिल जाए। क्लियर टू एवरीबॉडी? तो प्लीज कोई भी ये मत कहिएगा मैम हमें नहीं मालूम था, ये हमसे गलती
गलती होगी ये सब मत करिएगा। एंड प्लीज मुझे टेलीग्राम पे पिन करो, और एजुकेशन बाय डॉक्टर हिना हमारा ग्रुप ज्वाइन कर लो, एजुकेशन बाय डॉक्टर हिना। मैं वहां पे इसका पीडीएफ भी शेयर कर रही हूँ, आई एम शेयरिंग द पीडीएफ एज वेल। टेक केयर, थैंक यू, कीप लर्निंग, एंड सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नहीं दीक्षा, कल क्यों मैराथन होगा? मैराथन जनवरी से होने स्टार्ट हो जाएंगे। कल अभी आप कुछ और होगा दीक्षा, कल कुछ और मिलेगा आपको। सो टेक केयर एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, गुड इवनिंग, गुड डे, गॉड ब्लेस यू ऑल, एंड कीप स्माइलिंग, टेक केयर, टाटा, बाय बाय।